आज है 23 मई 2023 और दिन है आज मंगलवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 12:25 और इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। तो जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश धर्मशाला मैक्लोडगंज का मई 2023 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ पर कितने टूरिस्ट जो वो घूमने के लिए आए हुए थे और आज यहाँ का कैसा वेदर था। हम लोगों ने आज अपनी यात्रा पठानकोट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट की थी और इस वक्त मैं पहुँचा हूँ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। मैं पहुँच चुका हूँ पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। अब थोड़ी ही देर में 8:10 पर यहाँ पर गेस्ट आएंगे और उनको लेकर मैं निकलूँगा धर्मशाला की ओर। तो आज का ये सोचा है मोजी कि और तो कहीं अपन रुकेंगे नहीं इधर मिनी गोवा वगैरह, अपन सीधे चलेंगे क्योंकि वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम खुल गया। तो वो खुल गया है तो आज अपन वो स्टेडियम देखते हुए फिर चलेंगे, फिर ड्रॉप कर देना फिर आज का काम। हाँ वो लगातार आप भी चल रहे थे आप तो मैंने देखा था, मैंने कहा कि लास्ट अभी आपके कोई 2 दिन से वीडियो भी नहीं आए। पठानकोट खत्म हो गया ना, अभी आगे से हमारा धर्मशाला का रास्ता कट हो जाएगा। चटनी वगैरह बनाते हैं आजकल, वो ठंडी होती है, मैं देख लिए तो आजकल जबरदस्त चीज है वो। यहाँ पे कर लो ब्रेकफास्ट, ठीक है, पराठा ठीक है इनका। तो कृति क्या करना ब्रेकफास्ट में, पराठे वराठे ना वो चलेंगे या और कुछ हल्का खाना? और भी मिल जाएगा, चलो देख लो, चलो उधर जाके देख लो क्या भी मिलता है ना, हल्का फुल्का करना तो वो कर। 9:34 हुए हैं और हम रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने में कितना टाइम जो वो लग पाता है। कैसा था पराठा, जल गया था मुँह भी? है भूख ज़्यादा लगी थी, क्या हुआ था? नहीं नहीं उसको तो बराबर खाने उसको मार ही नहीं पाता, मैगी से मतलब है इनको तो बस। परोठा कौन खाता है? पहाड़ों में मैगी तो हर जगह मिल ही जाती है। ये देखो चंबा से आई हमारे पास, ये सही है। कहाँ से आ रही है? बजराड़ उधर से आ रही है, तो जा रही है जा रही आगे। अच्छा। तो बजराड़ वही है और अच्छा अच्छा बैरागढ़ से पहले गांव आता है ये बजराड़ू, बजराड़ू के बाद आता है बैरागढ़, तो वहां से ये नगरोटा तक आ रही है ना इधर ये जाने के लिए। नहीं तो ये एक टेम्पल है अंदर, ये नेचुरल गुफा है, ये शिव जी का मंदिर है इसको बोलते हैं वाटरफॉल। हाँ तो ये यहाँ से आप जाके आ जाओ, वहाँ है तो है रास्ता, ये हटा ही दिया ना इन्होंने, ये इधर से जाके आ जाओ, नेचुरल गुफा है ये। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँच गए हैं त्रिलोकपुर में। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 10:50। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक शिव मंदिर है गुफा के अंदर, अभी यहाँ पर हम दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से और आगे की ओर। तो यहाँ पर ये 4 लाइन रोड का काम चला हुआ है, काफ़ी यहाँ पर जो है ये रास्ते की टूट फूट हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है पठानकोट मंडी 4 लाइन रोड का काम यहाँ पर चला हुआ है। ये सारे जो यहाँ के अगल बगल की दुकानें वगैरह हैं ये सारी तोड़ी हुई हैं। त्रिलोकीनाथ, तो अभी यहाँ पर हम दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और आगे की ओर। तो जितनी भी गाड़ियाँ पहले यहाँ से निकलती थी ना धर्मशाला के लिए वो सारी यहाँ पे रुकती थी। अच्छा कैसा मंदिर? अच्छा वो उत्तराखंड में एक पातालेश्वर या ऐसा करके जो है ना बिल्कुल नेचुरल गुफाएं हैं, बिल्कुल वैसा है, नेचुरल है ना बिल्कुल नेचुरल। ये महादेव को प्रणाम, जय किया, जय किया, चलो ठीक है, जय त्रिलोकीनाथ।
त्रिलोकी नाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे धर्मशाला की ओर। क्या देखा यहाँ पे है? नेचुरल केव, कांगड़ा एयरपोर्ट ही तो लिखा है ना। आप पहले कभी गगल अगल सुना? कांगड़ा, गगल, धर्मशाला कुछ भी बोल लो, एक ही नाम है इसका। शहर के नाम से वो ज्यादा अच्छा। ये पहाड़, ये पीने का पानी, ये है धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। देखो अब भैया अंदर से तो पूरा व्यू जब आप देखोगे तो बस वही स्टेडियम के बाद सीधा ही बर्फ का ही पहाड़ आता है ना। 12:02 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आज इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो आई है धर्मशाला में क्रिकेट देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। टिकट बनेगी इसकी ना, ले लेते हैं। आप टिकट ले के जाके आओ, अंदर खुला है। और मैं आगे कहीं लगाता हूँ छाया में गाड़ी, तो यहाँ के मुझे फोन कर लेना। ठीक है। टोपियाँ ले लेना, मेरी खुद की टोपी रह गई अंदर, चलेगा आप डिक्की में तो निकाल लो। आगे ले लो, कोई बात नहीं। तो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, आज इतने ज्यादा टूरिस्ट जो आई है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम देखने में कितना टाइम जो है ये लग पाता है। ये आप लोग देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ जो है ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और हम पहुंच गए हैं क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए धर्मशाला में। तो क्रिकेट स्टेडियम जो ये काफ़ी दिनों से बंद चल रहा था और 17 और 19 मई को यहाँ पर क्रिकेट का मैच हुआ है और उसके बाद जो है ये टूरिस्टों के लिए खोल दिया है। बहुत महीनों के बाद जो है ये आज टूरिस्ट यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम भी 17 और 19 मई का मैच होने के बाद जो है ये टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है, जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। देख लिया, ठीक है, ये अच्छा हुआ। भी क्लियर मिल गया, आज मौसम खुला हुआ था ना। हाँ, अच्छा बढ़िया। बहुत महीनों से ये बंद था ना, तो लोग तो आते ही क्रिकेट स्टेडियम देखने की वजह से थे, तो उनको देखने मिल ही नहीं पा रहा था। 12:30 हुए हैं और हम लोगों ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देख लिया है। अब हम जाएंगे आगे टी गार्डन की ओर। के लिए पीछे का खुलेगा, इसको दबा देता हूँ। गेट बंद कर। कैसा लगा क्रिकेट स्टेडियम? अच्छा खेला आपने अंदर? धर्मशाला जाएंगे तो क्रिकेट स्टेडियम चीज तो यही आती है, यही आती है। व्यू भी अच्छा मिल गया, व्यू भी अच्छा मिल गया। विश्व का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये, वर्ल्ड का। तो ये कल से ही खुला है ये। सही है। 17 और 19 को तो मैच था। बिल्कुल। तो ये कल से खुला है, 22 तारीख से कल से खुला टूरिस्टों के लिए।
ये आ गया टी गार्डन, ये टी गार्डन शुरू हो गया, एक ही टी गार्डन है बस जो है। यहाँ से भी जब फोटो निकालते हो तो पीछे पूरा वो व्यू आ जाता है, बर्फ का पहाड़ पीछे का वो है, वो मतलब टी गार्डन और पहाड़, ये कॉम्बिनेशन। वैसे तो साउथ में तो है ही टी गार्डन, लेकिन यहाँ पहाड़ के साथ टी गार्डन, पहाड़ के साथ है बर्फ वाले। यहाँ पर कम लोग है ना, हाँ क्योंकि वो पहले बंद होता था तो जब लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम निकालते थे। सही है, कि आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, और वो जो पहाड़ का व्यू कहाँ से मिलेगा? ये ऊपर से मिलेगा इधर से। ठीक है ठीक है, उधर से वो देखो नीचे लोग वो काट भी रहे हैं, देखो पत्तियां निकाल रहे हैं ना उसकी। 12:45 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं टी गार्डन धर्मशाला में। ये आप लोग देख सकते हैं इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं आज धर्मशाला में टी गार्डन देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और ये यहाँ पर चाय पत्ती को निकाल कर लेकर जाते हुए फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी, ये आप लोग देख सकते हैं इतने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं आज धर्मशाला टी गार्डन देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, चले बाबू आगे बच्चा। 1:10 हुए और हम लोगों ने टी गार्डन घूम लिया है। पानी लेने गए हैं, तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। कोई नहीं, थोड़ी देर गाड़ी में रखो तो ठीक हो जाएगा। ना मुझे अभी नहीं चाहिए, ले लूँगा थर्मस, हाँ थर्मस वाला पी लो। पहले देखा था टी गार्डन आपने? टी गार्डन नहीं देखा, इन्होंने नहीं देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, साउथ मैंने एक बार देखा, इन लोगों ने नहीं देखा। अभी तो पूरा देखने को मिल गया ना, क्योंकि वहाँ से पत्तियाँ भी निकाल रहे थे। हाँ, निकाल रहे थे। हाँ। लेकिन ये तो पोपल चुनते हैं, तो ये लोग तो बड़ी बड़ी पत्तियाँ नहीं चुनते थे कुछ सब। कल वो पालमपुर वाला भी टी गार्डन देखेंगे, वहाँ पे वो दुकान है ना जहाँ चाय वाय बनाता है, वो वो चाय पियेंगे। वो कहीं देखा था शायद आपके वीडियो में देखा था मैंने। अभी और देखना है कुछ नहीं, आप घर चलते हैं, छोड़ दीजिए आज तो, और आज वही शाम को वहीं का व्यू देखेंगे, थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे उधर नीचे की तरफ। उधर वो अब यहीं से रास्ता कटेगा आपके होटल का, ये नीचे वाला, ये मुड़ने के लिए भी। तो अब ये जो आप जा रहे हैं तो हाँ, ये गांव वाली लुक है, गांव का थोड़ा है। ये आपको लगेगा कि बाकी नड्डी विलेज है। तो बाकी तो लोग यहीं से घूम के चले जाते हैं ऊपर से ही। तो अब आप जो देखोगे तो आपको लगेगा पता ओरिजिनल नड्डी की क्या नड्डी है ना। वो ये देखो उसको बोल रहा हूँ क्या, वो हुआ ना। हाँ अब देखो कितनी ग्रीनरी है, देखो इसको बोलते हैं लोकेशन। ये क्या था? नड्डी था ये, नड्डी। अब यही बताया था कहीं आगे, देख लेना कितने मीटर पे और क्या नाम है आपका। नासी रोड पे उसने मुझे समझाया था कि आप आते चले जाना तो इसी पे कहीं रास्ते में वो दिख जाएगा। अब ये है ना कि आपके सामने पूरा पहाड़ है, कुछ नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो तो दिन निकल जाए। बिल्कुल प्योर नेचर है, प्योर नेचर है। देखो एसी का ये मुसाफिर कैफे, लव जी। 1:42 हुए और हम आ गए नड्डी नड्डी में। तो आज हमारा यहीं पे स्टे होने वाला है और ये है आज का नड्डी से मौसम। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आज हिमाचल प्रदेश नड्डी से आज का मौसम, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा मौसम है और बिल्कुल अच्छी जो है वो तेज़ धूप निकली हुई है। 1:50 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं नड्डी में। तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ।
तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।